वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन कैसे बनाया जाता है डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का। ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन का यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, यानी कि इक्विवेलेंट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हम ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं या ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन को यूज़ करते हैं। अब ये इक्विवेलेंट सिस्टम किसको कहेंगे? तो ऐसे दो सिस्टम्स जिनका ट्रांसफ़र फंक्शन सेम हो उन्हें कहा जाता है इक्विवेलेंट सिस्टम। जब आप ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं किसी भी सिस्टम का, तो आपको तीन काम करने होते हैं। पहला काम, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके जो सिग्नल डायरेक्शन है, सिग्नल के डायरेक्शन को आपको रिवर्स करना होता है। यानी पहला ऑपरेशन आप करेंगे रिवर्स करने का सिग्नल डायरेक्शंस को, जितने भी सिग्नल के डायरेक्शंस हैं उनको आप रिवर्स कर दीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपको करना है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन को करने के लिए, वो है जितने भी आपके सिस्टम में टेक ऑफ पॉइंट्स हैं उन सारे टेक ऑफ पॉइंट्स को आप रिप्लेस करेंगे एडर से, और जितने एडर पॉइंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे टेक ऑफ पॉइंट से। इसके बाद इनपुट और आउटपुट को आप इंटरचेंज करेंगे, यानी जहां इनपुट था वहां पर आएगा आउटपुट और जहां पर आउटपुट था वहां पर आएगा इनपुट। तो इन तीन कामों को करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे कहा जाता है ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर या ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन ऑफ सिस्टम। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है कुछ इस तरह। ये मल्टीप्लाई हो रहा है A1 से, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है A2 से, यहाँ पर एक लगा हुआ है एडर और यहाँ आ रहा है इनपुट हमारा XN, यहाँ पर लगा हुआ है एक और एडर जिस पर ये दो इनपुट्स आ रहे हैं, सिग्नल का डायरेक्शन हमने मेंशन किया है, यहाँ से हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है। तो मान लीजिए किसी भी डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम का डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन हमें ऐसा मिला है। अब हमें इसका ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन बनाना है, यानी कि इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन इसका सेम हो। तो उस केस में हमें ये तीन काम करने पड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम सिग्नल के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। यहाँ पे बड़े एरो से दिखाया जा रहा है, सिग्नल के डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये चूंकि पहले इसमें था तो अब इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हमने सिग्नल के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इसके बाद जितने भी एडर हैं उनको हम टेक ऑफ पॉइंट बनाएंगे और टेक ऑफ पॉइंट को हम एडर बनाएंगे। तो अब इस चीज के लिए हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे सिग्नल का डायरेक्शन है ऐसा, यहीं से लेते चल रहे हैं, ये है एडर, तो अब ये बनेगा टेक ऑफ पॉइंट, यानी इससे ये पैरेलल ब्रांच दूसरी ब्रांच जाएगी। इस दूसरी ब्रांच में सिग्नल का डायरेक्शन ये रहेगा, इस ब्रांच में सिग्नल का डायरेक्शन ये रहेगा, जो बड़े एरोज हमने यहाँ पर बनाए हैं उसके हिसाब से हम सिग्नल डायरेक्शन को यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं। इसके बाद ये पाथ हम यहाँ तक लेकर जाएंगे, तो हम इस पाथ को यहाँ तक लेकर के गए, हमारे सिग्नल का डायरेक्शन अभी भी ऐसा है। इसके बाद ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा एक
एडर में, तो हमने एडर में बदला, एक इनपुट ये हो गया। इसके बाद अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर के पाथ में ये डायरेक्शन हमने बना लिया, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है जो अब बदलेगा एडर में। तो यहाँ पर हमने एक और एडर लगा लिया, इसके एक इनपुट पर सिग्नल आ रहा है यहाँ से। सिग्नल के डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये सिग्नल आपका आ रहा है यहाँ से। इसके बाद अब इस पाथ को हम बनाते हैं, तो इस पाथ में आपके सिग्नल का डायरेक्शन पहले ऐसा था, तो अब इसका उल्टा होगा, तो ये सिग्नल का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये आपका टेक ऑफ पॉइंट था, यहाँ पे हमने बनाया अपना डिले, जेड इनवर्स लिख दिया यहाँ पर। इस जेड इनवर्स के पास जो इनपुट आ रहा है वो इस दूसरे एडर से आ रहा है, तो ये डायरेक्शन मेंशन करते हुए हमने एडर से इसे इनपुट दे दिया। अब इतना पाथ हमारा कंप्लीट हो गया, हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर बना चुके हैं। नीचे वाले पाथ के लिए अब हमको बनाना है, तो नीचे वाले पाथ में ये डायरेक्शन हमारी हमें मिलनी थी, तो इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया एरो। अब ये ऊपर वाला पार्ट गया, यहाँ पर सिग्नल के डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन है ये, यहाँ पर लगा हुआ है एक एडर, तो अब ये बन जाएगा टेक ऑफ पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट बन गया। इसके बाद ये आपके सिग्नल का आउटपुट, ये आपके सिग्नल सिस्टम का इनपुट। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी है, तो कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमने पहले इस डायरेक्शन में एरो लगा के दिखाया था, अब हमें इस डायरेक्शन में एरो लगा के दिखाना पड़ेगा। तो ये हुआ ए टू, और इसका मल्टीप्लिकेशन इस डायरेक्शन में था, तो अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा हुआ ए वन। हमने एडर को टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट को एडर बना दिया, साथ ही साथ सारे सिग्नल का डायरेक्शन उलट दिया। अब इसके बाद लास्ट स्टेज पे हमें इनपुट की जगह पर रखना है आउटपुट, और आउटपुट की जगह पर रखना है इनपुट। अब आप देखिए, ये जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो इस एडर पे जा रहा है, इस एडर पे दो सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं, ये डिले एलिमेंट लगा है, एक ब्रांचिंग वाली आपकी यहाँ से पाथ गया, इस एडर पे दो इनपुट यहाँ और यहाँ से आ रहे हैं। तो आपने सारे सिग्नल्स की डायरेक्शन को पलट दिया है, टेक ऑफ को एडर, एडर को टेक ऑफ कर दिया, आउटपुट को इनपुट कर दिया। अब जब आपने इतना काम कर दिया, तो ये जो रियलाइजेशन हमें मिल रहा है, इसके बदले इसको कहा जाएगा ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। ये जब ट्रांसफर फंक्शन आप एस्टिमेट करेंगे दोनों का, तो दोनों का ही ट्रांसफर फंक्शन आपको सेम मिलेगा, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट सिस्टम्स हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज्ड रियलाइजेशन करते हैं किसी भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का।